हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई जैसे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते ही हैं, हेटरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास क्लोरोफिल का अभाव होता है, और क्लोरोफिल के अभाव के कारण ये ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में फंगल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि मोस्टली ये सेप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं जो कि दूसरे जीवित जीवों से पर आश्रित होते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रकृति में फैले होते हैं, इसलिए हमारी डेली लाइफ में बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। इनका प्रेजेंस हम सब जगह देखते हैं, ज़्यादातर हमने इनको महसूस किया है चीज़ों को ख़राब करने में, पर इसके कुछ बेनिफिशियल रोल भी हैं, और इसलिए बायोस्फीयर में इनके प्रेजेंस के कारण इनको इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया। जैसे जैसे अलग अलग नए नए फंजाई की स्टडी हुई, खोज हुई, तब उनके यूज़फुल और हार्मफुल इफ़ेक्ट को डिस्कस किया गया, और ये यूज़फुल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं ये कलेक्टिवली कहलाते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, उनके पॉजिटिव रोल या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स और उनके नेगेटिव रोल या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो फंजाई इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो दो कारणों से है, पॉजिटिव रोल के कारण और नेगेटिव रोल के कारण। इन दोनों के कारण आर्थिक रूप से फंगस को महत्वपूर्ण माना गया, जिसको कि हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव रोल हमारे पास बहुत सारे हैं, फूड और एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, बायो कंट्रोल एजेंट, और अभी जो एडवांस्ड साइंस की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर फंगस को एज ए रिसर्च टूल भी यूज़ किया है, जो कि उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में ऐड करता है। इसके नेगेटिव रोल या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दो हैं, डिटोरिएशन और स्पॉइलेज, और डिजीज़ एंड टॉक्सिसिटी। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। बेनिफिशियल इफेक्ट, जैसे कि हमने पुरानी स्लाइड में देखा, फूड एंड एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, बायो कंट्रोल एजेंट और रिसर्च टूल। सबसे पहला देखते हैं फंजाई इन फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड वैल्यू जो है फंजाई की काफ़ी पुराने समय से मानी जाती है। एंशंट टाइम में भी फंगस को मॉरेल्स के रूप में, मशरूम के रूप में, ट्रफल्स के रूप में, पफ बॉल के रूप में, और पॉलीपोर्स जो नॉन वुडी पॉलीपोर्स है उसके रूप में खाया जाता था काफ़ी पुराने समय में। मशरूम भी हम जानते हैं कि फंगस का ही एक फ्रूटी बॉडी है जो कि भोजन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। मॉरल्स जो है एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स है, जिसको कि कॉमनली हम गुच्छी कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में ये कॉमन फूड मटेरियल है। ट्रफल्स जो है वो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई है जो कि हायर प्लांट्स के जड़ों के साथ एसोसिएटेड होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में साल बोड़ा के रूप में, साल ट्री के जड़ों के साथ में ये ट्यूबर्स के रूप में ट्रफल्स जो है पाए जाते हैं, और काफ़ी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी पसंद से उनका उपयोग किया जाता है। पफ बॉल जो है वो काफ़ी बड़े साइज की फ्रूटिंग बॉडी है फंगस की, जो कि जनरली सफ़ेद रंग की होती है, और इसको यंग स्टेज में इनको खाया जाता है भोजन के रूप में। मशरूम, जैसे हम जानते हैं आजकल बहुत अलग अलग तरह के मशरूम मार्केट में भी मिलते हैं, लोग कल्टीवेट करते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई का मेम्बर है, या तो नेचुरली ग्रो होता है या भी कुछ कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है, जैसे कि बटन मशरूम है, एगारिकस स्पीशीज, ऑयस्टर मशरूम या इसको प्लोरोटस की स्पीशीज हम कहते हैं, पैडीस्ट्रॉम मशरूम जो है वॉल्वेरियाला, उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो मशरूम की एडिबल है और कल्टीवेटेड भी हैं, और कुछ जो है वो नॉन कल्टीवेटेड है, नेचुरल है, जिनको कि समय समय पर इनके सीजन में जंगलों से जमा करके लाया जाता है। उसके अलावा ईस्ट और कुछ माइसीलियल फंजाई जो है इनको बड़े पैमाने पे कल्चर किया जाता है और उनसे प्रोसेस्ड फूड या प्रोटीन रिच फूड बनाया जाता है। प्रोटीन रिच फूड के ये अच्छे सोर्स होते हैं, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, लाइफ स्टॉक कंजम्पशन के लिए इनको सप्लीमेंट्री फूड के जैसे यूज़ में लाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है क्यूरन, TM, एक ट्रेडमार्क इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक माइको प्रोटीन है जो कि फ्यूजेरियम वेनाटम स्पीशीज से कल्टीवेट होता है। तो फ्यूजेरियम को बड़े पैमाने पे लैब्स में या इंडस्ट्रीज में कल्टीवेट करते हैं, एंड देन उस माइसीलियम से इस प्रोटीन को आइसोलेट किया जाता है।
कुछ फंजाई जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करती है, और उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम माइकोराइजा फंजाई के रूप से जानते हैं। ये माइकोराइजा एक्टो या एंडो माइकोराइजा होते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ या विगर के लिए यूज़ होती है, पौधे के लिए ये यूज़फुल होती है, और प्लांट्स को वो न्यूट्रिशनल अपटेक, डिजीज प्रोटेक्शन के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए भी हेल्प करती है। तो इस तरह से ये भी एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट माइकोराइजल फंजाई है। फिर फंगस की कुछ स्पीशीज जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जो कि इंसेक्ट्स में, पेस्ट, निमेटोड पेस्ट में, वीड्स के लिए और अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इनको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है बावेरिया बेसियाना, जो कि इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट यूज होता है। फिर क्योंकि फंजाई जो है वो सेप्रोफिटिक है, प्राइमरी डिकम्पोजर्स है इकोसिस्टम में, ये डिकम्पोजर्स के जगह पे रखे गए हैं, तो एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस और नए मटेरियल के बनाने में भी और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके अलावा फंगस जो है वो लीचिंग, बायो लीचिंग और इनऑर्गेनिक मटेरियल की सॉइल से जो बहाव है, लीचिंग है, उससे भी उसको रोकते हैं। ईस्ट की कुछ स्पीशीज है जैसे कि सेकेरोमाइसिस और रोडोटोरिला, ये एक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, जो कि भूमि में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं और उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा हम देखते हैं बेनिफिशियल रोल फंजाई इन मेडिसिन। पुराना पहले वाला हमने देखा था फूड एंड एग्रीकल्चर, अब यह है फंजाई इन मेडिसिन। मेडिसिन के रूप में फंजाई का एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, जो कि एक फंगस से ही आइसोलेट किया गया था, वो था पेनिसिलियम नोटैटम। इसके बाद बहुत सारे और एंटीबायोटिक खोजे गए जो फंगस से ओरिजिनेटेड थे, फंगस से आइसोलेट किए गए थे। यहाँ मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, फ्यूमिगेटिन, स्टोटेटिलीन, एस्टेलिक एसिड, फ्यूमिगेलिन और गायरोस्टेबिफिल्बिन। इसके सोर्सेज हैं एस्परजिलस की स्पीशीज पेनिसिलियम अस्टिलेगो, फिर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम ग्राइसोफल्वम। इनकी जो एक्टिविटी है वो आइदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल, एंटी अमीबायोटिक भी है और एंटी फंगल्स भी हैं। तो ये बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम आती हैं, और इसलिए इनको हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं, एज ए मेडिसिन इनको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्लेविसिप्स जो हैं वो स्क्लेरोशिया फंजाई, जो कि अर्गॉट बनाता है, और अर्गॉट जो है उसमें बहुत सारे एल्कोलॉइड्स होते हैं, और ये सारे एल्कोलॉइड्स जो हैं उनको प्योरीफाई करके वेटरनरी और ह्यूमन मेडिसिंस बनाने के लिए काम आता है। अर्गॉट का एक डेरिवेटिव है लाइसर्जिक एसिड, इसको हम यूज़ करते हैं, और ये साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ होता है लाइसर्जिक एसिड। फिर राइजोपस और एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज हैं वो स्टेरॉइड्स के वैल्यूएबल सोर्सेज के रूप में यूज़ होती हैं। इफेड्रिन जो है एक मेटाबोलाइट है, एल्कलाइड है, जो कि ईस्ट के कुछ स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और अस्थमिक डिसीज के लिए, अस्थमा के लिए इसका यूज़ होता है। फिर क्लेवेशिया नाम का एक पफ बॉल है, जायंट पफ बॉल, इससे कुछ एंटी कैंसर सब्सटेंसेस जो है वो कैवासिन उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे कि स्टमक ट्यूमर्स के इलाज के लिए उसका यूज़ होता है। लेप्टोजीनिया और एफेनोमाइसिस की कुछ स्पीशीज़ है, उनको मॉस्किटो लार्वी को ट्रैप करने के लिए और मलेरिया कंट्रोल के लिए उनका यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा बेनिफिशियल रोल है फंजाई का इंडस्ट्री में उनका उपयोग, बड़े पैमाने पर कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए फंजाई का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि फंजाई एक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेती हैं, तो उस भोजन को डिकम्पोज करने के लिए वो बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज अमाउंट में और बहुत अलग अलग तरीके एंजाइम्स बनाती है। ये एंजाइम्स यदि हम कमर्शियली इनका उपयोग करें, इनका प्रोडक्शन करें, तो हमारे मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छी एक सपोर्टिव सिस्टम बन सकती है। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है शुगर का फर्मेंटेशन होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी में शुगर जो है वो इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हमको दो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अल्कोहलिक इथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है वो जाइमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और इसमें जो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई करके ड्राई एस के रूप
ड्राई आइस के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जो बेकिंग ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े पैमाने पर काम आती है, जो कि ब्रेड को हल्का बनाने में उपयोगी होती है। उसके अलावा म्यूकर की जो स्पीशीज है, म्यूकर रेसिमोसस, जो है वो सैक्रिफिकेशन के समय स्टार्च को डिग्रेड करने के लिए यूज़ करती है। तो इनिशियली स्टार्च को डिग्रेड करते हैं और सेकेंड स्टेज में फिर ईस्ट उसका यूज़ होती है। तो हम डायरेक्टली शुगर या मोनोसेक्राइड्स जो है उनका यूज़ ना करके हम स्टार्च के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि म्यूकर जो है वो स्टार्च को सैक्रिफाई करेगी और फिर ईस्ट जो है उस शुगर को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट करेगी। उसके अलावा म्यूकर की स्पीशीज़, कुछ राइजोपस की स्पीशीज़, कुछ एस्परजिलस की स्पीशीज़ जो है वो बियर फर्मेंटेशन में भी यूज़फुल होती है। एंजाइम प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी के एंजाइम्स जो है वो फंगस प्रिपेयर करते हैं, या एक लिस्ट मैंने रखी है, एमाइलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, ग्लाइकोमाइलेजेस, रेनेट, फिर ग्लूकोज ऑक्सीडेजेस, सेल्यूलेजेस और इन्वर्टेजेस। ये सारे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो बड़े पैमाने पर फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि एस्परजिलस की स्पीशीज प्रमुख है, म्यूकर, कुछ पेनिसिलियम, कुछ ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज और कुछ ईस्ट सैक्रोमाइसिस की स्पीशीज जो है बड़े पैमाने पे एंजाइम प्रोडक्शन में उपयोगी होती है। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करने में यूज होते हैं, और इसी ब्रेक डाउन के दौरान ऑर्गेनिक एसिड्स बनती हैं ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड, इटाकोनिक एसिड, कोजिक एसिड, मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड। और कॉमनली जो देखा यहाँ पर एस्परजिलस के स्पीशीज, पेनिसिलियम के स्पीशीज और शाइजोफाइलम और सैक्रोमाइसिस के स्पीशीज जो हैं वो बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। फिर एक नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जिसको कि सबसे पहले जिब्रेला फुजिकोराई इस फंगस के द्वारा प्रोड्यूस करते हुए देखा गया था। ये डिजीज, ये जो जिब्रेला है, राइस में डिजीज कॉज करता है और ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा इसकी आजकल डिमांड है और जिब्रेलिन्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है उसके कारण होता है। नेक्स्ट है चीज़ इंडस्ट्रीज में। चीज़ इंडस्ट्रीज जिसमें कि रॉ चीज़ को, या जिसको हम पनीर कहते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेसिंग के लिए हमको कुछ फंगस का यूज़ होता है, जिससे कि उस प्रोसेस चीज़ जो है पनीर है उसमें सॉफ्टनिंग आएगी, फ्लेवर्स आएंगे। हमारे पास दो मेन तरह के चीज़ टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट चीज़ जिसको हम कहते हैं और दूसरा होता है ग्रीन और ब्लू वेराइटी के चीज़। इसमें कॉमनली पेनिसिलियम की जो स्पीशीज़ हैं वो काम आती हैं, और पेनिसिलियम के साथ उस रॉ चीज़ को जब ट्रीट करते हैं तो उसके उसमें कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टनिंग है, टेक्सचर है और फ्लेवर जो है वो ऐड होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। एडिबल प्रोटीन्स का इंडस्ट्रियल बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ईस्ट की स्पीशीज़ है सैक्रोमाइसिस और कैंडिडा की स्पीशीज़, जो कि हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कैरी करती है और उसकी काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो बड़े पैमाने पर इन दो स्पीशीज़ को लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए और फूड सप्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। विटामिन्स का प्रोडक्शन जो है, मोस्टली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो ईस्ट से बनाए जाते हैं, और उसके अलावा जो मोल्ड्स और ईस्ट दूसरे मेंबर्स हैं वो एर्गोस्टेरॉल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कि विटामिन डी की बहुत आयत होती है, बड़ी मात्रा में होती है। एशबे गॉसिपी एक फंगस है, ईस्ट की एक स्पीशीज़ है, फिलामेंटस ईस्ट है, जो रिबोफ्लेविन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको इंडस्ट्रियली यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल फैट प्रोडक्शन भी कुछ फंगस के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कि एस्परजिलस की स्पीशीज, पेनिसिलियम की स्पीशीज जो है वो बड़े पैमाने पर फैट का प्रोडक्शन करती है, जिसको कि हम अलग अलग और फर्दर इंडस्ट्री में, फर्दर प्रोसेसिंग में उस प्रोसेस्ड फैट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंगस के द्वारा पिगमेंट का प्रोडक्शन, कलर्ड कंपाउंड्स का प्रोडक्शन है, जिसको कि कमर्शियली हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कि एस्ट्रोमेंटीन है, कैटानेरिन है, फ्योनेसिन है और न्योसेरोस्पोरिन है, जो कि अलग अलग फंगस से यूज़ होता है। पेक्सेलिस, हेलमिंथोस्पोरियम, पेनिसिलियम और सर्कोस्पोरा की स्पीशीज़ जो है ये पिगमेंट्स या डाइस का प्रोडक्शन करती है, जिसको कि कलरिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है।
नेक्स्ट लेटेक्स का प्रोडक्शन भी होता है जो सेटेरम गॉसिप सेप्टम की स्पीशीज है और लेक्टेरियम की स्पीशीज है। इनमें इनकी फ्रूट बॉडी इसको यदि पंक्चर होती हैं या इनमें डैमेज होता है तो उनमें से लेटेक्स का प्रोडक्शन होता है और इनको लार्ज स्केल पर हम लेटेक्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक जो उनमें लेटरिसरी फेरस सेल्स होती हैं जिससे कि सिक्रीट होता है लेटेक्स और उसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिशियल रोल है फंजाई इन एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, एनवायरमेंट को क्लीन करने, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स हैं तो ये एनवायरमेंट में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है जिनका डंपिंग हुआ है, अनवांटेड मैटर है, उन मैटर को वो सिंप्लीफाई करती हैं, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं, तो एक तरह से एनवायरमेंट को क्लीन कर रही हैं या रेमिडिएट कर रही हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। मोस्टली एस्परजिलस नाइगर क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग स्पीशीज है, ये टैनिंग इंडस्ट्रीज में टैनरी जैसा यूज होता है और वहाँ पर डिग्रेड करता है उस रॉ मटेरियल को जिससे कि एक नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक कंपाउंड बनता है जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन रिड्यूस होता है। उसके अलावा जो मशरूम फंजाई है ये हाइपर एक्यूमुलेटर्स हैं और ये हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करते हुए पाए गए हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और देखा गया है कि जब हम ऑर्गेनिक मैटर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में जब इस फंगस को हम ग्रो कराते हैं तो हमको फंगस के रूप में फूड मटेरियल भी मिलता है और इन टर्न ये फंगस जो है वो हेवी मेटल का एब्जॉर्प्शन या एक्यूमुलेशन करता है तो एनवायरनमेंट में से इनको हटाता है, रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट है फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मीन्स किसी दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट को जो कि टॉक्सिक है या वो डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करता है उसको ये फंजाई रिड्यूस करते हैं और इसके दौरान ये एक बायो कंट्रोल एजेंट जैसा बिहेव करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है फंजाई एपेम्फुसा, मेटरोजियम और कॉर्डिसेप्स, ये जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए कंट्रोल के रूप में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो सॉइल फंगस हैं ये डिजीज कॉजिंग दूसरे सॉइल बॉर्न फंजाई जो हैं ट्राइकोडर्मा या ग्लियोक्लेडियम, इनके इफेक्ट को कम करते हैं, इनकी इनहिबिटरी इफेक्ट कॉज करते हैं और जो है ये पीथियम की ग्रोथ को कम करते हैं। पीथियम एक डैम्पिंग ऑफ डिसीज कॉज करता है और बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस उसके कारण होता है तो ये इनके इफेक्ट को कम करता है। फिर कुछ प्रेडेशियस फंजाई है जो कि निमेटोड्स को ट्रैप करती है मिट्टी में, ये निमेटोड्स को लूप के फॉर्म में रखती है और उनको ट्रैप कर लेती है तो निमेटोड्स के द्वारा होने वाली हानि जो है इन फंगस से कम होती है। फिर उसके अलावा कुछ जो प्रेडेटरी सॉइल फंगस हैं इनके कोनीडिया जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं और स्टिकी होने के कारण ये निमेटोड्स या दूसरे जर्मिनेटिंग हाइफी को ट्रैप करते हैं जिससे कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाती और वो दूसरे तरह से पैथोजेनिक जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाती। बावेरिया बेसियाना जो है कॉमन निमेटिसिडल फंगस है जो कि बोरर्स, थ्रिफ और एफिड्स के अगेंस्ट कॉमनली यूज होता है। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हेरिजिनम दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो बहुत बड़े पैमाने पर सॉइल बॉर्न फंगस के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। फिर फंजाई एज रिसर्च टूल, ये एक अप्लाइड एप्लीकेशन है फंगस का जिसमें कि हम रिसर्च टूल के रूप में फंगस को उपयोग करते हैं। सबसे कॉमन और सबसे पहला जो फंगस देखा गया न्यूरोस्पोरा, ये एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है, रिसर्च मटेरियल है जेनेटिक्स का। देखा गया कि इनका फास्ट रिप्रोडक्शन है फंगस का, इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है और इनमें माइटोटिक और मियोटिक दो तरह के स्पोर्स बनते हैं तो उनको जेनेटिक्स की स्टडी के लिए बहुत अच्छा एक आइडियल टूल माना गया था। फाइसेरम पॉलीसिफेरम एक मटेरियल है जिसमें कि डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की मॉर्फोजेनेसिस, माइटोटिक साइकिल और अदर सेलुलर प्रोसेस की स्टडी की गई है। फिर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ विटामिन बी इन गिवन सैंपल, न्यूरोस्पोरा को एक कॉमनली बायो एसे एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है और इसके कंपैरिजन में दूसरे ऑर्गेनिज्म में विटामिन बी का परसेंटेज कितना है उसकी स्टडी की जाती है। उसके अलावा एस्परजिलस नाइजर जो है ये ट्रेस एलिमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करने के काम आता है क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट भी है और बायो एब्जॉर्प्शन का काम करता है तो जिंक, निकल, कॉपर इन सारे मिनरल्स की माइन्यूट क्वांटिटी को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी जगह पर इनके इन मिनरल्स के ट्रेस एलिमेंट्स के प्रेजेंस या एब्सेंस को भी देखा जा सकता है।
अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में आते हैं, जिसमें कि हमने देखा हार्मफुल इफेक्ट्स या उसके हम जो है वो बैड इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, नेगेटिव रोल जो है फंगस का नेचर में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो नेगेटिव रोल है, डिटोरेशन एंड स्पॉइलेज और डिजीजेज इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड उनकी टॉक्सिसिटी, उनके विषैले पदार्थ के उसके विषैले प्रभाव को। तो पहला देखते हैं डिटोरेशन एंड स्पॉइलेज के किस किस कारणों से होता है, क्योंकि ये डिग्रेडेटिव है। जैसे कि उसके बेनिफिशियल रोल हमने देखा था कि बहुत बड़े पैमाने पर एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स और बहुत सारे विटामिन्स सिक्रीट करता है, उसके साथ साथ वो फूड मटेरियल और दूसरे कंज्यूमर गुड्स को डिटोरेट करता है, डिग्रेड करता है और उनमें उनको यूजलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्जन जो कहलाता है डिटोरिएशन या स्पॉइलेज। कुछ सेप्रोफिटिक फंजाई है जो डेंजरस कंटामिनेंट्स के रूप में यूज होती हैं, सॉइल्स के सीड्स के साथ में पाई जाती हैं, ग्रेन्स के साथ पाई जाती हैं और साथ साथ में ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स या फंगल टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर मटेरियल का स्पॉइलेज होता है। एस्परजिलस की स्पीशीज जो है ये माइकोटॉक्सिन्स या एफ्लाटॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि मटेरियल डिटोरिएट होता है और बहुत बड़े पैमाने पे स्पॉइलेज का इफेक्ट दिखाई देता है। म्यूकर, जाइगोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बहुत सारे फंजाई जो हैं ये स्टोरेज के समय फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें रॉटनिंग करती है, सड़न की क्रिया होती है। राइजोपस जो है वो स्वीट पोटैटो की राइपनिंग या उसकी रॉटिंग में बहुत बड़ा उसका रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा पेनिसिलियम की स्पीशीज, एस्परजिलस की स्पीशीज और फ्यूजेरियम की स्पीशीज जो है वो मीट और दूसरे जो नॉन वेजिटेरियन फूड मटेरियल है उनको स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब करता है। कॉमन बेकरी आइटम में म्यूकर के स्पीशीज और एस्परजिलस के स्पीशीज जो है वो बेकरी आइटम को स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा वुल, रेयन, कॉटन और सिल्क जैसे जो फाइबर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, वो अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, स्टेनफाइलियम, ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेकीबोट्रिस और कीटोमियम स्पीशीज के कारण स्पॉइल होते हैं, उनमें बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी फंजाई जो है सेल्यूलोज, लिग्निन और पेपर मटेरियल को डैमेज करती है, डिकम्पोज करती है, जिसमें कि एस्परजिलस, कीटोमियम और क्लेडोस्पोरियम जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम और प्लेसियोमाइसिस जो है वो लेदर गुड्स को डिटोरेट करने में, डिस्ट्रॉय करने में, खराब करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर रबर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस टेरस और पेनिसिलियम स्पीशीज के कारण स्पॉइल होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी फंजाई जो हैं वो डिसकलरेशन या पेंटेड सरफेस को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम और पुलिलेरिया स्पीशीज हैं, जो कि सरफेसेस का डिसकलरेशन करती हैं या पहले से जो पेंटेड सरफेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़राब करती हैं। एक ड्राई रॉट फंगस है सर्क्यूला, ये जो है वो वुड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, उनको अटैक करता है और लकड़ी की चीज़ें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं वहाँ पर धीरे धीरे वो स्पॉइलेज करता है और बहुत सारी डेंजरस इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। पॉलीपेरसी के जो मेंबर हैं ये लिविंग ट्रीज के लिए भी हानिकारक होती हैं, खतरा होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये वुड रॉट के लिए, और लकड़ी जो है धीरे धीरे डिटोरेट होती जाती है। फिर फंगल मटेरियल जो है वो केरोसिन बेस्ड फ्यूल टैंक्स में भी उनका प्रेजेंस देखा गया है, और यहाँ देखा गया है कि एयरक्राफ्ट में जहाँ पर केरोसिन बेस्ड फ्यूल्स यूज होते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पे फंगल माइसीलियम जो है वो ग्रो हो जाते हैं यदि उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ, और उन एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल पाइप्स हैं वहाँ पर वो ग्रो करती हैं, एल्युमिनियम अलॉय पे वह ग्रो करती हैं, मेटल को वो कोरोड कर देती हैं और बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। फिर दूसरा है फंगल डिसीजेस और उनके द्वारा होने वाली टॉक्सिसिटी, विषैला प्रभाव। डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, देखा गया है कि फंगल डिजीजेस जनरली ह्यूमंस में बहुत कम होती हैं, पर एक बार यदि फंगल डिजीज हो जाए सक्सेसफुली तो वो बहुत आसानी से क्योर नहीं हो पाती, उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि मुख्य कारण होते हैं कि उनके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत लेट दिखाई देते हैं और उनके बाद वो एसोसिएटेड बहुत सारे मल्टी सिम्टोमेटिक
कंडीशंस डेवलप करते हैं जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती या सही फंगस जो है वो नहीं हो पाता। हमने ये भी देखा है कि फंगस जो नॉर्मली कल्चर में या पौधे के ऊपर या मिट्टी में जिस तरह से दिखाई देता है वैसा उसकी मॉर्फोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स के सरफेस में या बॉडी के साथ एसोसिएटेड उस तरह की मॉर्फोलॉजी वो शो नहीं करते हैं, तो बहुत आसानी से वो पहचाने भी नहीं जाते ताकि उनका सही ट्रीटमेंट किया जा सके। पर उनकी कुछ स्टडी हो चुकी हैं और यहाँ पर कुछ लिस्ट है जिसमें कि ह्यूमन डिजीजेस को हमने समझाया है। ये जो फंगस है ह्यूमन में दो तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं। पहला है माइकोसिस जिसमें कि ट्रू इन्फेक्शन है फंगस का वहाँ पर प्रेजेंस होता है, और माइकोटॉक्सिकोसिस। माइकोटॉक्सिकोसिस में फंगल मेटाबोलाइट्स के कारण ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं और कुछ डिजीज जानी जा सकती है। कॉमनली ये जो फंगस है ये डर्मेटोफाइट्स होते हैं, स्किन्स में या हेयर में, नेल में या केराटिनाइज टिश्यू में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके अलावा टीनिया जो एक स्किन इन्फेक्शन है ह्यूमन में, ये एपिडर्मोफाइटॉन के कारण, माइक्रोस्पोरम के कारण, ट्राइकोफाइटॉन के कारण कॉमनली देखी गई है। स्पोरोट्राइकम जो है वो सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए, स्किन के नेक्स्ट अंदर वाली लेयर के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आउटर सरफेस से अंदर। देन क्लेडोस्पोरियम जो है वो क्रोमोमाइकोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे जो सिम्टम्स हैं ये स्किन में पिगमेंटेड पैचेस बन जाती हैं। देन हिस्टोप्लाज्मा, कैंडिडा और ब्लास्टोमाइसीट की स्पीशीज जो है ये कुछ सीवियर इन्फेक्शन के केस में फेटल भी होती हैं। न्यूरोस्पोरा और फ्यूजेरियम जो है वो कॉर्नियल टिश्यूज आई में इन्फेक्शन कॉज करती हैं। उसके अलावा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवर्स और एस्परजिलस नाइकर जो है वो कॉमन ह्यूमन पैथोजन है जो कि कलेक्टिवली एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस। यह एस्परजिलोसिस जो है लंग्स में, एक्सटर्नल ईयर में इचिंग कॉज करता है। उसके अलावा पैरासिटिक फंजाई जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट में, ब्रोंकियाई में, लंग्स में इन्वेड होती है। ये सांस के थ्रू इसके जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं और वो माउथ में और लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। फंजाई की कुछ स्पीशीज जो है वो स्किन में डिस्कलरेशन कॉज करती है, जिसमें कि ट्राइकोफाइटोनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एथलीट फूट डिसीज कॉमनली एक जो है जिसमें कि डैम्पनेस होती है बहुत लंबे समय तक, हम जब सॉक्स पहनते हैं तब उस तरह की डिसीजेस होती हैं। फिर वेल्लॉन स्किन डिसीज है, रिंग वॉर्म जैसे उसको हम दाद खाज कहते हैं, ये भी फंगस के द्वारा होती है, बार्बर्स इच के नाम से भी जाना जाता है। फिर इम्परफेक्ट फंजाई के जो ग्रुप है उनके कुछ मेंबर्स जो है वो थ्रोट में और माउथ में डिजीज कॉज करते हैं और थ्रैश कहलाते हैं। फिर एमानिटा और स्क्लेरोडर्मा स्पीशीज जो है ये टॉक्सिक एजेंट्स, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज करती हैं। ये जो है ये डेडली पॉइजनस मशरूम्स के रूप में जाने जाते हैं और ये लिवर डैमेज या न्यूरो डैमेज के रूप में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें कि डिजीज के नाम है और साथ में पैथोजन के नाम है। कॉमनली देखा गया कि एस्परजिलस है, ब्लास्टोमाइसिस, म्यूकर, ट्राइकोफाइटॉन, कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, ग्लियोट्राइकम, क्लैडोस्पोरियम, एस्परजिलस अगेन, कीटोमियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये सारे पैथोजेंस जो है वो कॉमनली ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं, और कॉमन डिजीजेस जो है वो एस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ओटोमाइकोसिस, न्यूरिटिस, ओनिक्रोमोसिस, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, जियोट्राइकोसिस, क्रोमोमाइकोसिस, कुछ एलर्जिक सिम्टम्स भी है और डर्मेटोफाइकोसिस। एनिमल्स में फंगस के कारण होने वाले डिजीज जो है उसमें ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम बहुत कॉमन है जो कि माइकोटिक एबॉर्शंस कॉज करते हैं एनिमल्स में। उसके अलावा डॉग्स में माइक्रोस्पोरम के कारण रिंगवर्म डिजीज भी रिपोर्ट किया गया है। फिर बोविन एबॉर्शन डक्स में, बर्ड्स में और चिकन्स में एस्परजिलस फ्लेवस के कारण एबॉर्टिव सिम्टम्स आते हैं। सेप्रोलिग्निया और एक्लिया जो है वो मोस्टली कॉमन वाटर मोल्ड्स हैं, पानी में बहुत आयत में पाए जाते हैं और उनके प्रेजेंस के कारण ये फिशेस को फिश पैरासाइट्स के रूप में होते हैं और फिश को डैमेज करते हैं। कॉमन डिसीजेस है पेनिसिलोसिस, एस्परजिलोसिस, एथलीट फूट, रिंगवर्म और म्यूकोमाइकोसिस जो कि एनिमल्स में होते हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, टीनिया, ट्राइकोफाइटॉन और म्यूकर और राइजोपस के स्पीशीज से।
डिजीजेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में फंगस का डिसीज बहुत आयत है और प्लांट पैथोलॉजी एक बड़ी सी ब्रांच है जिसको कि हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी है, प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि जब फंगस का इन्फेक्शन पौधों में होता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है और बड़ी बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा नुकसान इनके कारण होता है, फंगल डिसीजेस के, प्लांट्स के फंगल डिसीजेस के कारण, और बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है। इसलिए पौधों में फंगस के द्वारा होने वाले डिसीजेस को बहुत डिटेल में पढ़ा है। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डिसीजेस है जिसको कि हम यहाँ देखते हैं, डैम्पिंग ऑफ डिसीज, जो कि सीडलिंग स्टेज में प्लांट्स में सॉफ्टनिंग होती है और प्लांट जो है वो नष्ट होता है। मोस्टली रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है पीथियम। उसके अलावा अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आलू में होने वाला रोग है जो कि फाइटोफ्थोरा के कारण होता है और अल्टरनेरिया के कारण होता है। फिर डाउनी मिल्ड्यूज ग्रेप्स में, अंगूर की खेती में बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं डाउनी मिल्ड्यूज। फिर अनाजों में और सीरियल के दूसरे मेंबर्स में अर्गॉट डिसीज होता है जो कि क्लेबिसेप्स के कारण होता है। फिर एक कॉमन डिसीज है स्कैब, जिसमें कि एप्पल में बहुत ज़्यादा इस बड़े पैमाने पे होता है और उससे फ्रूट्स जो है वो स्टोनी हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लॉस होता है। फिर ब्राउन रॉट डिसीज है जिसमें कि ब्राउन पिगमेंट्स बनते हैं एप्रिकॉट्स में, चेरीज में, प्लम्स में और पीचेस में। देन ब्राउन रॉट ऑफ स्टोन फ्रूट। फिर स्मट डिसीज यहाँ पर देखी गई। स्मट में ये भी सीरियल्स में होने वाली डिसीज है, कॉर्न में, वीट में, ओट में और दूसरे सीरियल क्रॉप्स में होने वाली डिसीज है जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेन लॉस होता है। स्मट जो है वो लूज स्मट या कवर्ड स्मट के रूप में होती है और यदि ये डिसीज होती है तो ग्रेन्स नहीं बन पाते हैं और ग्रेन्स की क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हो जाती है। शुगर केन में बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला डिसीज़ है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो कि बहुत बड़ी तरह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में इसके कारण नुकसान होता है। रस डिसीज़ ये भी सीरियल्स में होने वाला डिसीज़ है, व्हीट में और चने में ये डिसीज़ होता है जिसमें कि ब्लैक रस्ट बहुत कॉमन है, पक्सीनिया फंगस के कारण होने वाला डिसीज़ है और ये यदि बड़े पैमाने पर यदि ये एपिडेमिक के रूप में फैल गया तो पूरी पूरी फसल जो है वो नुकसान होती है, फसल जो है नष्ट हो सकती है। ये कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर अलग अलग डिसीजेस हैं अलग अलग तरह के पौधों के और उनके साथ एसोसिएटेड पैथोजेंस के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस।